हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 9.2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 9.3 की बात करते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, इसको करने पर आपको इजीली मतलब जैसे सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे इजीली आपको समझ में आने लग जाएगा। जिसने 9.1 और 9.2 कंप्लीट पढ़ा है वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। तो देखते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के गुण व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणन करना है हमें, तो गुणन का मतलब क्या करना है, गुणा करना है। तो देखना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4p, इसको पूरे को गुणा करना है। पूरे को किससे गुणा करना है, q प्लस r से। इसका मतलब ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, दोनों से गुणा होगा, दोनों फैक्टर्स से। तो चार को जब एक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना इसके साथ में फैक्टर, तो चार एज इट इज हो जाएगा। पी को क्यू से करेंगे तो पी क्यू प्लस 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 हो जाएगा। 4 को जब 1 से करेंगे 4, और P को R से करेंगे PR। ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। अंदर फैक्टर से करना है, इसको भी इससे गुणा करना है। तो AB गुणा जो भी होगा A माइनस B से, ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना, A को A से करेंगे A स्क्वायर, BC के साथ B होगा, और AB को माइनस B से करेंगे तो A तो नहीं है इसमें, तो A एज इट इज हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, A प्लस बी को किससे गुणा करना है, 7a² b² से। तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7a² है तो a³ और b² फिर प्लस 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 होगा 7a² b² को b से करेंगे तो b³ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। a² माइनस 9 को 4a से मल्टीप्लाई करना है। 4a से, ये a है, ठीक है। 4a को इससे करेंगे तो 4a³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और a एज इट इज, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं pq plus qr plus rp को जब जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका तो आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, जीरो। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सारणी पूरा कीजिए। सारणी को कंप्लीट करना है और इसमें क्या करना है, इसको गुणनफल ही याद करना है, कुछ भी नहीं करना। पूरी सारणी में हमें क्या करना है, गुणनफल बताना है, इसको सारणी को कंप्लीट करना है। तो देखना, प्रथम पद और द्वितीय पद को जब गुणन करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है गुणनफल, तो इसको इससे गुणा करना है। तो ये a जो है इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तीनों से गुणा होगा, ठीक है। तो a को b से करेंगे, रेड पेन से कर लेते हैं, a को b से करेंगे, a b, a प्लस है तो प्लस का ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस बी ए सी प्लस ए डी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 5x, ये एक पद है, ये तीन पद है, तो कितने, तीन पद आएंगे। एक को तीन से गुणा करेंगे तो ये देखना, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और तीसरे से भी गुणा होगा। तो पाँच को यहाँ पर तो एक ही है ना, तो पाँच रहेगा, x यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा, और y है ही नहीं तो y रहेगा बस, ओनली ये वाला। उसके बाद बात करते हैं प्लस, पाँच को इससे यहाँ पर करेंगे, पाँच एक्स है ही नहीं तो x और y, और y से क्या हो जाएगा, y², फिर माइनस प्लस माइनस, पाँच को पाँच से करेंगे 25, एक्स वाई नहीं है तो एक्स वाई इसी के आ जाएंगे, ये हमारा गुणनफल होगा। नेक्स्ट पी को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि फर्स्ट किया था हमने। तो पी को जब 6p² से करेंगे तो 6p³ हो जाएगा, प्लस माइनस 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 7, पी को पी से करेंगे तो p² हो जाएगा, पी को प्लस 5 से करेंगे तो प्लस के 5p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 4p² q² को किससे, p² - q² से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विद साइन, तो प्लस के 4p² है ना, और इधर भी p² है, p⁴ हो जाएगा, p⁴ और q² माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो 4, तो 4 ही रहेगा, p² और q⁴ हो जाएगा, ये आंसर होंगे हमारे इनके। नेक्स्ट की बात करते हैं, abc को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना। तो पहले को ए बी सी को किससे करेंगे, a से करेंगे, तो a² bc प्लस बी से करेंगे जब ab² c प्लस सी से करेंगे जब ab c², ठीक है। काफ़ी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखना क्वेश्चन नंबर थ्री का जो फर्स्ट दिया हुआ है, गुणनफल ज्ञात करना है आपको। गुणनफल फर्स्ट देखना, ए स्क्वायर इंटू टू ए की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 ए की पावर 26। सभी का लिख लेते हैं पहले, 2/3 एक्स वाई गुणा माइनस के 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज में नहीं हो ना ब्रैकेट की वजह से। माइनस 10/3 पी की पावर 6/5 पी क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4। चार है इसमें, एक्स गुणा वाई स्क्वायर गुणा एक्स की क्यूब गुणा एक्स की पावर 4। देखना काफ़ी इजी है, हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट चलाना है। देखना ए स्क्वायर को 2a² और 4 ए की पावर 22 ए की पावर 26, मतलब 22 ए की पावर और ए की पावर 26 है यहाँ पर। तो देखना आपको पहले तो अचर पद को गुणा कर लो, एक को दो से करेंगे दो, दो को चार से करेंगे 8, फिर ए स्क्वायर है, आधार समान है सबके ए, तो घाते जुड़ जाएगी सबकी, तो ए 2+22+26 कितना हो जाएगा 8 ए की पावर 50, सॉरी 50 ए की पावर कितना हो जाएगा 50। देखना 2 को 24, 24 और 26 50, ठीक है, काफी इजीली था। इसको सोल्व करते हैं, 2/3 इचर अचर अचर से मल्टीप्लाई होता है, तो देखना 2/3 गुणा माइनस के 9/10, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई क्यूब, 3 से 9 तीन बार कैंसिल हो जाएगा और माइनस एज इट इज ही होगा माइनस, और 2 से 10 पांच बार, तो माइनस के 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारा आंसर होगा, ठीक है, गुणनफल। इसके बाद में बात करते हैं अचर को अचर के साथ लिख देते हैं फिर से, 10/3 गुणा 6/5 पी को पी क्यूब से गुणा करेंगे, पी की पावर 4 हो जाएगा, क्यू को क्यू क्यूब से गुणा करेंगे क्यू की पावर 4 हो जाएगा। देखना 3 से 6 दो बार कैंसिल होगा और 5 से 10 दो बार कैंसिल होगा, नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, सेम टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। देखना माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 पी 4 क्यू 4 आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखना सभी के आधार x है तो घाते जुड़ जाएगी 1+2+3+4 4 3 7 7 2 9 और 1 10 x की पावर कितना हो जाएगा 10 आंसर। काफी इजीली था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है अचर को अचर के साथ और चर को चर के साथ। कैलकुलेशन का विशेष करके ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3x, लिख दे पहले लिख लेते हैं 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए, के लिए इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो देखना x जब पहला पार्ट लेते हैं a में मान रख दो 3 × 3 4 × 3 x जहां जहां होगा वहां 3 लिख दो प्लस 3 9 12 माइनस 5 प्लस 3 9 × 7 प्लस 3 कितना होगा 63 प्लस 3 66। इसके लिए x बराबर 3 पर इसका मान कितना होगा 66। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, x बराबर 1/2 रख दो तो 3 × 1/2 ब्रैकेट में 4 × 1/2 माइनस 5
प्लस तीन, दो से ये चार दो बार, तीन बटे दो गुणा दो माइनस पांच, यानी माइनस के तीन बचेगा गुणा प्लस के तीन। देखना तीन को तीन से गुणा करोगे, ये प्लस का ही माइनस का, तो माइनस का नौ बटे दो प्लस के तीन। अब क्या करना है, एलसीएम लेना सभी को आता है हमें, तो क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेते हैं, दो एलसीएम आएगा, दो ये तो इधर से गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो यहाँ माइनस के नौ प्लस के छः। यहाँ देखना ये माइनस का ही प्लस का, माइनस की क्वांटिटी बड़ी है ना, माइनस की संख्या बड़ी है, कितना बड़ा है माइनस के तीन बटे दो आंसर। ठीक है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जब x का मान तीन था तो y मान कितना है 66, और x का मान जब था एक बटे दो तो मान कितना है माइनस के तीन बटे दो। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है a a स्क्वायर प्लस a प्लस वन प्लस फाइव को सरल कीजिए a बराबर जीरो पर, और सेकंड a बराबर एक एवं थर्ड a बराबर माइनस वन के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखना हम सबसे पहले a बराबर जीरो के लिए देख लेते हैं, a बराबर जीरो पर देखना, जीरो a जीरो का स्क्वायर प्लस के जीरो प्लस एक प्लस पाँच। देखना जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो प्लस के पाँच, तो कितना आ जाएगा पाँच। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ए बराबर वन पर, देखना वन रखो, एक एक का स्क्वायर प्लस का एक प्लस एक प्लस फाइव। देखना एक को एक का स्क्वायर कितना होता है एक प्लस एक प्लस एक प्लस के पाँच, एक गुणा एक दो तीन, तीन प्लस पाँच, एक को तीन से गुणा करोगे तीन प्लस पाँच यानी आठ। अब बात करते हैं एक ए बराबर माइनस वन पर, तो देखते हैं माइनस वन ब्रैकेट में माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस का वन प्लस वन ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस के फाइव। अब हमें देखना माइनस वन एज इट इज लिख देते हैं, अंदर वाला सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर में से क्या होता है प्लस, तो इसका तो वन प्लस माइनस माइनस प्लस वन प्लस फाइव। देखना माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस का वन, माइनस का वन कैंसिल हो गया, क्या बचा वन प्लस के फाइव, प्लस माइनस माइनस एक प्लस फाइव यानी प्लस का फोर। यानी एक्स बराबर ए बराबर जीरो पर तो मान पाँच आएगा, ए बराबर वन पर मान आठ आएगा, और ए बराबर माइनस वन पर ए का मान कितना, पूरा मान कितना आएगा चार। काफ़ी ईजी था, क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मिला दे मिटा देते हैं फोर का। देखना ये क्वेश्चन नंबर फोर का है, क्वेश्चन नंबर फाइव का कितने पार्ट है इसके, चार पार्ट है। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पी माइनस क्यू क्यू पी माइनस आर एवं आर माइनस पी को जोड़ें, यानी जोड़िए देख लेते हैं, तो जोड़ देते हैं ना सीधे 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 तीनों को जोड़ना है, तो बस पी पी माइनस क्यू ये दिया हुआ है, पी पी माइनस क्यू प्लस क्यू पी माइनस आर प्लस आर आर माइनस पी, बस सोल्व ही तो करना है, यही क्वेश्चन है हमारा। यह क्यू है, ये क्यू है, ध्यान रखना ये क्यू, यहाँ पर एक क्यू है, ठीक है, पी के साथ पी, क्यू के साथ क्यू और आर के साथ आर है, ये दिया हुआ है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ना, तो ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी, ये भी इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, तो पी को पी से करेंगे पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस आर को आर से करेंगे आर स्क्वायर माइनस के आर पी। बस अब लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी आंसर को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं इसका,
टू एक्स जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं टू वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। तो देखना जोड़ देते हैं काफी इजीली है। तो देखना मैं डायरेक्ट यहां पर ये जोड़ का साइन लगा देता हूं, यहां पर जोड़ना है ना, ये हो गया, लिख लिया होगा आपने। देखना इसको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर जाने के बाद इधर भी ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। टू एक्स जेड माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू, फिर माइनस से माइनस का टू एक्स वाई प्लस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू वाई जेड माइनस टू को जब इससे करेंगे टू वाई स्क्वायर, फिर जब इससे करेंगे तो माइनस का टू एक्स वाई। देखना कुछ ही जुड़ रहा है क्या, टू एक्स जेड तो टू एक्स जेड, टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई, टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स वाई प्लस के फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड प्लस का टू वाई जेड माइनस का टू वाई स्क्वायर आंसर होगा हमारा। ये डायरेक्ट कुछ ऐड भी नहीं हो रहा उसके अलावा, ठीक है, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाले पार्ट की। सी वाला पार्ट है इसका, देखना काफी इजी है भी। 4l ब्रैकेट में 10 n माइनस 3m प्लस 2l में से को घटाइए, तो घटाने वाला साइन लगा रहा हूं मैं सीधा, घटाना है किसको, 3l ब्रैकेट में l माइनस 4 m प्लस के 5n, ठीक है, इसको घटाना है, तो सीधा मैंने घटाने वाला यहां पे लिख लेते हैं घटाइए, तो घटाने वाला कर रहे हैं हम इसका। तो देखना ये इसके अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ln, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 थी 12 ln, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के 8 l स्क्वायर माइनस, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा 3 l स्क्वायर, जब इससे गुणा होगा माइनस 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 प्लस का हो जाएगा 12 ln, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 15 ln। सॉल्यूशन देख लेते हैं, 40 ln कहीं लिखा हुआ है क्या, 15 ln तो प्लस का 25 ln, फिर उसके बाद में ये सॉल्व हो गया, इस पर अंडरलाइन कर लेंगे, माइनस का 212 ln प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या 8 l स्क्वायर माइनस के 3 l स्क्वायर, 3 l स्क्वायर और 8 l स्क्वायर, देखना तो माइनस प्लस का ज्यादा है ना, तो 5 l स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो गया, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सॉरी बी नहीं डी, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, 4 सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से इसको घटाइए, तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा है तो ये घटा देंगे, 3 ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 बी ए माइनस बी प्लस सी का होल है, को घटाना है, इसमें से इस पूरे को घटाना है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर का सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले उसके अंदर का, तो ये तो लिखा रहेगा 4c, इसको यहां तक अंडरलाइन कर लेते हैं, 4c माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस अंदर का सोल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस के 3ac माइनस 2b किससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 3ab, फिर कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2bc ब्रैकेट ओपन, 4c अंदर का अभी भी सोल्व कर लेते हैं प्लस b प्लस c, 2a स्क्वायर ही रहेगा ना, 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, उसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे प्लस के 2b स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, फिर प्लस का 3ab
माइनस का 2ab, तो प्लस का ab बचेगा, फिर 3 है ये 2 है तो प्लस का ab एक बच जाएगा, फिर यहाँ पर 3ac है तो प्लस के 3ac, 3ac, फिर उसके बाद में देखना यहाँ पर बचा हुआ है माइनस के 2bc। अब देखना इसको भी ओपन कर देते हैं, 4, सबसे पहले ध्यान रखो प्लस माइनस माइनस, 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये माइनस सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के होंगे माइनस के हो जाएंगे सारे, 3a स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac प्लस का 2bc। इसको रफ कर लेते हैं कुछ लाइन को, ये वाला हमने कब का उतार लिया है, इसको रफ कर देते हैं, ये वाला देख देखना। अब देखना माइनस का 4ac, तो माइनस का 4ac वाला पार्ट क्या दिख रहा है, माइनस का 3ac तो माइनस के 7ac, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4bc प्लस का है, bc bc ये वाला पार्ट रहा तो प्लस के 6bc। उसके बाद में 4c स्क्वायर कितना है, 4c स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर और माइनस का ab आंसर। यदि इसको अच्छे तरीके से जमाना है तो a वाले पार्टीशन को आगे लिख लेते हैं, b वाले को उसके पीछे, फिर प्लस c वाला लिख देते हैं, फिर ab, फिर 6bc, फिर 7ac। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है 3b स्क्वायर बिल्कुल यहाँ से 2b, देखना आपने यहाँ 3b कर दिया 2b आएगा ना, तो इधर 2b होगा तो इधर भी 2b, तो इसका भी 2b, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने 9.3 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया, काफ़ी इजीली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को जिस टाइम सोल्व करें ना, तो उस टाइम पर सारा फोकस आपको क्वेश्चन पे रखना है, ओके ठीक है।